नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आज हम लोग स्त्री रोगों पे बात करेंगे और वो भी क्षार धर्मीय और अम्ल धर्मीय के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है क्षार धर्मीयता और अम्ल धर्मीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेशेंट आते हैं पीसीओडी के लिए प्लीज म्यूट रखिए, नहीं तो मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। प्लीज म्यूट रखिए, प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूट रखिए। तो हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं फाइब्रॉइड्स के पीसीओडी के, तो बहुत बार ये रहता है प्रॉब्लम कि उनको किस तरह से डायग्नोज किया जाए। तो स्त्री रोगों पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेटी के जन्म से ही माता पिता बड़े प्यार से और सावधानी से बेटी का लालन पालन करते हैं, ठीक है। तो स्त्री प्रकृति अगर हम लोग देखें तो आर्तवम आग्नेयम, स्त्री का जो शरीर है वो आग्नेय तत्व से बना हुआ है। आग्नेय तत्व ज्यादा है इसमें, बना तो पंच महाभूत से है लेकिन आग्नेय तत्व ज्यादा रहता है। और जो शरीर में चार धर्मीय व्याधियां होती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, फिर स्मॉल पॉक्स हो गया, फिर मीजल्स हो गया, रोमांटिका हो गया, यह सब क्या है? चार धर्मीय, मतलब इसमें शरीर का अग्नि तत्व की वृद्धि होती है। और दूसरा अगर हम लोग मीजल्स देखें खासकर, तो रक्त धातु के आश्रय से होता है, उसमें रक्त धातु के साथ जल गुण वायु का प्रधान होता है। उसी तरह से प्लीज म्यूट रखिए, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे बोलते टाइम। तो जब भी ये मीजल्स होता है या फिर ये मीजल्स होता है या फिर हर्पीस होता है, जो भी क्षार धर्मीय व्याधियां हैं, तो इसके वजह से अभी अगर हम लोग देखेंगे कोई पेशेंट हमारे पास हर्पीस के आते हैं, विसर्ग के आते हैं, तो वह मांस धातु के आश्रय में होता है, जिसमें स्थिर गुण प्रधान रहता है, कभी उसमें चल गुण प्रधान रहता है। क्षार धर्मीय जो है वह अग्नि तत्व को अगर हमने संतुलित नहीं किया, तो अग्नि तत्व जो है वह शरीर से बाहर नहीं निकलता है, और उसके वजह से संपूर्ण स्त्री जीवन में विविध लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्षार धर्मीय जब बढ़ता है, क्षार धर्मीय मतलब बहुत ज्यादा हीट बढ़ता है बॉडी में, पित्त बढ़ता है, तो आप महाभूत का क्षय होता है, मतलब जल महाभूत का क्षय हो जाता है, और रक्त की घनता बढ़ती है, रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और इसके वजह से जब मेंसेस आते हैं जहां पे आप महाभूत का क्षय हुआ है शरीर में, तो उसके वजह से अब इसको हम आप महाभूत का क्षय है तो डिहाइड्रेशन नहीं बोल सकते हैं, एक एक सेल में आप महाभूत कम है, तो
जो मेंसेस आएगा वो ग्रंथि लार्तव आएगा, मतलब क्लॉट्स आएंगे, अल्पार्तव आएगा, कष्टार्तव आएगा, डिसमेनोरिया या स्केंटी मेंसेस आएंगे, या अनार्तव मतलब अमेनोरिया, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जब विकृत रूप से क्षार धर्म में अग्नि तत्व तो बढ़ जाता है, विकृत रूप से क्षार धर्म में बढ़ता है, तो उसमें कभी कभी हैवी मेंसेस भी आते हैं, गर्भस्राव भी बहुत होता है, मिसकैरेजेस होते हैं, वंध्यत्व होता है मतलब इनफर्टिलिटी होता है, अम्ल पित्त होता है, मूत्र दाह होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, हाइपर एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मलबद्धता, क्योंकि विकृत रूप से क्षार धर्म में था मतलब वो ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है, और निद्रा नाश, नींद नहीं आता है आदि लक्षण होते हैं। तो कामला व्याधि जब है, जैसे कि जॉन्डिस हो जाता है, उसमें क्षार धर्म में अग्नि तत्व की वृद्धि होती है, उष्ण तीक्ष्ण गुणों से धातु बल क्षीण होता है, क्षार धर्म में अग्नि संतुलित करना और धातु बल साम्यावस्था में लाना, ये कामला का चिकित्सा सूत्र है। इसलिए हम लोग कामला व्याधि में क्या करते हैं, तो हम लोग विरेचन देते हैं कि पूरा जो बॉडी में क्षार धर्म था वो ज्यादा हीट बढ़ा है, उस सारे पित्त को निकालना है, और उसमें हम लोग मधुर तिक्त कषायरसात्मक द्रव्य देते हैं, तो हम लोग मतलब क्षार धर्म्यता को कम करते हैं, है ना। और कामला में अधिकतम अपूर्ण चिकित्सा की जाती है, बढ़ा हुआ जो क्षार धर्म अग्नि तत्व है वह कहीं ना कहीं उसके लक्षण शरीर में रहते हैं। इसी तरह से मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पिस है, मतलब विसर्प है, ये सब व्याधियां अगर रहे शरीर में और उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो भविष्य में स्त्री रोगों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना कि अल्पार्तव है, तो स्केंटी मेंसेस हो रहा है, या फिर कष्टार्तव है, डिसमेनोरिया हो रहा है, या फिर अम्ल पित्त है, या फिर उनको बहुत ज्यादा ये हो रहा है ग्रंथिल मतलब क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर उनको हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कामला का इतिहास होता है, या मीजल्स का इतिहास होता है, या चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स होके गया है और उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, उसमें पंचगम करके शोधन नहीं किया गया है, इसके वजह से ये सारी बीमारियां रहती हैं। उसके साथ में आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, पहले के जमाने में पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स ये बहुत कम पाया जाता था, आज के जमाने में जितना लोग के पास पैसा आ गया है और आराम की ऐश की जिंदगी है, उतना लोग ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण चीजें खा रहे हैं, मतलब जो गरम मसालेदार पानी पूरी, चाट मसाला, बाहर का जो मिसल पाव वगैरह बहुत खाते हैं, और तीख मतलब तीख रस कम खाते हैं, कटु रस ज्यादा खाते हैं, मतलब मिर्च मसाला गरम मसाले ज्यादा खाते हैं, बिना भूख के खाना खाते हैं, बाहर गए बारिश हो रही है तो गरम गरम पकौड़े खा लो, तीखा वाला मिर्ची के पकौड़े खा लो, जरूरत है क्या उस टाइम खाने की, मतलब टेस्ट के लिए अच्छा है वो, लेकिन उस टाइम भूख नहीं लगी तब भी विषमाशन तो हो रहा है। इसी तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत जमाना आ गया आजकल, कि बच्चा जल्दी नहीं होना चाहिए, हमको करियर बनाना है, तो गर्भ निरोधक गर्भ प्रतिबंधक दवाइयों का अति सेवन होता है, फिर तेज भूख धूप में काम करना है, या फिर अग्नि तत्वों से संबंधित व्यवसाय है काम करना है, ऊंची इमारत में काम करना है, लैपटॉप और मोबाइल पे ज्यादा काम रहता है, या फिर ऊंची मंजिल पर निवास स्थान है, इन सब से क्या होता है कि क्षार धर्मिया अग्नि तत्व की वृद्धि शरीर में हो जाती है, और जिससे स्थिरता स्थिर गुण है शरीर का वो कम होता है, द्रवता कम होता है, घनता कम होता है, गुरुता कम होता है, स्निग्धता कम होता है, और धातु बल का क्षीणता होता है, इससे बहुत सारे स्त्री रोग होते हैं। इसी तरह से अगर किसी को जीर्ण जर होके गया है, मतलब शरीर में पहले फीवर आया बहुत ज्यादा है ना, जीर्ण जर होके गया है, टाइफाइड होके गया है, बार बार टाइफाइड हो रहा है, वो टाइफाइड कैरियर होते हैं, जिसको मलेरिया हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ज्वर तो शरीर में है, उसको ठीक कर लिया गया एंटीबायोटिक्स वगैरह देके, लेकिन वो जो बॉडी का हीट है वो उधर अंदर ही रह रहा है। तो जीर्ण ज्वर में जब जठराग्नि मंद होता है, धातु अग्नि मंद होता है, तो आम विष की निर्मिति होती है, और डॉक्टर लोग जो एलोपैथी के डॉक्टर लोग वो केवल फीवर को ट्रीट करते हैं, लेकिन आम को कभी भी कोई नहीं निकालता, आम मतलब अपाचित अन्न जो है, अन्न रस, वो शरीर में सब जगह कहीं ना कहीं स्रोतों में जाके जमा है, स्रोतोरोध करता है, और जब ज्वर की उष्मा बढ़ती है, या विसर्प या कामला, ऐसे जो गर्मी उत्पन्न करने वाली व्याधियां हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, तो इससे शरीर का जो स्नेह है, स्नेह आदि गुणों का क्षय होता है, धातु बल की क्षीणता होती है, रस धातु का बल क्षय होता है, और कभी कभी प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगैली भी होती है, तो और भी बहुत सारे स्त्री रोग के लक्षण निर्माण होते हैं। अधिकतम महिलाओं को अग्नि अम्लधर्मी व्याधियां भी होती हैं,
अब हम क्षार धर्मी को छोड़ के अम्ल धर्मी पे आते हैं। अम्ल धर्मी, अब क्षार धर्मी का मतलब है कि जैसे कि होलिका दहन हो रहा है तो आग की लपेटे कितना ऊपर ऊपर चढ़ती है, वैसे ही अम्ल धर्म क्षार धर्मी मतलब बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और वही दिया अगर जलाएं तो उसमें अग्नि कितना मंद होता है, दिया का, आप मिट्टी का दिया जलाए अग्नि होता है लेकिन मंद होता है, उसमें द्रव गुण बढ़ता है और अम्लता बढ़ती है बहुत ज्यादा। तो अम्ल धर्मी व्याधि अगर देखें तो इसमें अग्नि तत्व कम होता है, अग्नि तत्व की वृद्धि होती है लेकिन वो विकृत होती है, तो पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें अग्नि तत्व मंद होता है, पृथ्वी और आप महाभूत की वृद्धि होती है। अब सिस्ट अगर देखें तो उसमें पानी है, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स पीसीओडी में क्या करते हैं, पंक्चर करके पानी निकालते हैं, है ना। पृथ्वी तत्व और आप तत्व बढ़ जाता है, आप मतलब जल तत्व। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि क्षार धर्म में अग्नि तत्व बढ़ने से भी पीसीओडी हो जाता है, क्योंकि उसमें शरीर में पृथ्वी आप तत्व का क्षय हो रहा है, तो उसके वजह से अलग टाइप का पीसीओडी होता है। ज्यादातर पीसीओडी अम्ल धर्मी होता है जिसमें अग्निमंद होता है, अग्नि संस्था असंतुलित होती है। और धातु, धातु की निर्मिति भी असंतुलित रूप से धातु बनता है, उपधातु बनता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, उसमें अम्ल धर्म की वृद्धि होती है, जठराग्नि मंद होता है, रस धातु अग्नि मंद होता है, रस धातु का सारे रज की निर्मिति होती है और अत्यधिक होती है, तो पूरा एंडोमेट्रियम जो है ना वो बाहर की तरह इधर उधर पूरा इंफ्लेम्ड हो जाता है। तो एक ये हो गया। तो स्त्री रोगों में डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि गर्भाशय का लेखन करते हैं, डीएनसी करते हैं, तो गर्भाशय में ख वैगुण्यता निर्माण किया जाता है, बात का प्रकोप होता है, तो गर्भाशय स्थित जो भी यहाँ पे रक्त वाहिनियां हैं उनपे बहुत ज्यादा परिणाम होता है ना, जब डीएनसी किया जाता है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग। निरोगी गर्भाशय को व्याधिग्रस्त किया जाता है, उसमें इंजरी किया जाता है, क्यूरेटिंग करने की क्या जरूरत है, जरूरत तो नहीं है। एलोपैथी साइंस बोलते हैं कि क्यूरेटिंग करेंगे तो नया एंडोमेट्रियम आएगा, लेकिन जो भी शस्त्र कर्म किया जा रहा है उससे लेखन, जब कुरेद कुरेद के एंडोमेट्रियम निकालेंगे, बात का प्रकोप होता है, धातु क्षय होता है, तो उसके वजह से बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। और जब शस्त्र कर्म के बाद कभी कभी हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, तो वह भी जरूरी नहीं होता है कि गर्भाशय पे हम पूरा उसको निकाल दें। ये सारी चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा गलत गलत कामें हो रही हैं। अब गर्भाशय बल वृद्धि के लिए निसर्ग क्या करता है कि जब जैसे कि मायोमेक्टोमी कर दिया फाइब्रॉइड्स को निकालने के लिए, या फिर डीएनसी कर लिया, तो बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा फाइबर्स की निर्मिति गर्भाशय में करता है, उसके वो इतना ज्यादा कभी कभी बन जाता है वायु के प्रकोप से कि गर्भाशय का अर्बुद बन जाता है, या फिर वो ट्यूमर बन जाता है, बिनाइन ट्यूमर जैसे फाइब्रॉइड वगैरह बन जाता है। उसी तरह से गर्भाशय लेखन करने से उसका साइड इफेक्ट से बल्की यूट्रस होता है, बल्की यूट्रस विद फाइब्रॉइड्स, गर्भाशय जो है वहां पे वायु जाएगा तो अपना साइज एंड शेप बिगड़ने से बल्की यूट्रस विद फाइब्रॉइड्स हो जाता है। तो गर्भाशय लेखन से गर्भाशय का, और वो भी गर्भाशय पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो उसकी स्थिरता कम होती है, घनता कम होती है, गुरुत्व आदि गुणों का क्षय होता है, ये आप लोग को मालूम है। इसी तरह से गर्भाशय धारण, गर्भ धारण करना भी मुश्किल हो जाता है, तो गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि इनफर्टिलिटी है, उनका हिस्ट्री में पता चलता है कि उन्होंने डीएनसी क्या होता है, तो डीएनसी करने के वजह से वंध्यत्व आता है, इनफर्टिलिटी आता है। और दूसरा क्या है कि आजकल व्यवसायिक तनाव होते हैं, जब स्त्रियां जो है माता बहनें जब ऑफिस में काम करती हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग का ओवरलोडेड काम होता है, क्योंकि कंपटीशन है, तो बुद्धि इंद्रिय जो है वो असंतुलित होती है, जितना काम शोक भय में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, तो वायु का प्रकोप होगा, तो वायु महाभूत की वृद्धि होती है, आप महाभूत की इम्बैलेंस होता है, पृथ्वी महाभूत का इम्बैलेंस होता है, मतलब पृथ्वी और आपका घनता, स्निग्धता, द्रवता, गुरुता, स्निग्धता गुणों का क्षय होता है, पचन संस्थान भी असंतुलित होती है, धातु बल क्षीण होने से गर्भाशय बल क्षीण होता है, इसके बाद में पीसीओडी बन जाता है, इनफर्टिलिटी होता है, गर्भस्राव होता है, मिसकैरेज होता है, गंभीर व्याधियां हो जाती हैं। उसका कारण यही है। अभी मेरे पास एक बैंक की मैनेजर का मैंने ट्रीटमेंट दिया, तो उनको ना बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बैंक का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही थी वो 10-12 साल से, तो उस वजह से वो उनको इनफर्टिलिटी था, वो गर्भ धारणा कर ही नहीं पा रही थी।
बाद में मैंने उनको कहा कि आप अगर माँ बनना चाहती हैं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको अपना रिजाइन करना पड़ेगा या छुट्टी लेना पड़ेगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए और उसके बाद ही आप मतलब आयुर्वेद का चिकित्सा करिए। उन्होंने ऐसा बात माना और उसके बाद में मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। 2-3 महीने के बाद उनका हो गया, कंसीव हो गया, अभी वो प्रेगनेंसी चल रहा है उनका। मतलब वो जो काम से इतना ज्यादा स्ट्रेस था उसके वजह से उनको गर्भाशय में गर्भ रह ही नहीं पा रहा था। दूसरा क्या है कि अगर केमिकल युक्त जो कॉस्मेटिक का यूज हो रहा है आजकल, मानसिक तान तनाव तो है ही, केमिकल युक्त आहार सेवन हो रहा है, पेस्टिसाइड वगैरह, या फिर कॉस्मेटिक का यूज हो रहा है बालों को, बालों में, चेहरे में, पूरे बॉडी में, इतना आप टीवी खोल के देखेंगे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो वह सब बॉडी में कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, श्वेत प्रदर ल्यूकोरिया होने लगता है। उसी तरह से बिना टाइम पे खाना खाना, रात को लोग जो बीपीओ में काम करते हैं है ना, कॉल सेंटर में काम करते हैं, रात का जो ड्यूटी रहता है, शिफ्ट ड्यूटी रहता है, खासकर स्त्रियों का मैं बता रहा हूँ, तो रात को 2 बजे खाना है, 4 बजे खा के घूमना है, सुबह दिन भर सोना है। अभी संडे का टाइम देखिए, वीकेंड आया ना, तो लोग क्या करेंगे, कल रात, कल दिन, अभी आज रात भर ऐसे पार्टीज करेंगे और कल सुबह लेट उठेंगे, और ये एक दिन का नहीं होता है, महीनों महीनों तक, सालों सालों तक किया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, जीवन शैली असंतुलित होने से ये बहुत सारी बीमारियां होती है, और श्वेत प्रदर वगैरह, इनफर्टिलिटी वगैरह होता है, पीसीओडी होता है। तो अकाल में आहार सेवन करना, उपवास करना, जागरण करना, और आप कभी पूना में आइए, यहाँ पे सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है, वैसे किसी इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माता पिता भेजते हैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, और आप जाके देखिए तो लड़के लड़कियां हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। आप लोगों ने पुणे का एक घटना देखा होगा, पोर्श का वो कैसे एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे बहुत विकृत है मानसिकता है। तो तंबाकू का सेवन करना, अपथ्य का सेवन करना, दारू पीना, मद्य का सेवन करना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, ये सबसे क्या होता है, इनफर्टिलिटी आता है, शरीर में पित्त का विस्तृत गंध बढ़ता है, बद्ध कोष्ठता बढ़ती है, तब पेट साफ नहीं होता है, ग्रंथित आर्तव आता है, विस्त्रगंधी आर्तव आता है, ये सब इनफर्टिलिटी का कारण होता है। और फिर वो लोग उस टाइम पे नहीं ध्यान देते, लेकिन बाद में जब तकलीफ होता है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और IVF सेंटर भी खुल गया बहुत सारा, कि मतलब कृत्रिम रूप से बच्चे पैदा करना, ये सब चीजें जो है शरीर को नुकसान देती है। और IVF करना भी इतना इजी नहीं होता है, IVF करने के लिए भी 1 लाख तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं, और वो बच्चे जो आएंगे इस दुनिया में, जो केमिकली शरीर को ऐसा बना के और तब कृत्रिम रूप से बच्चा, तो वो बच्चा तो जो नया संतान आएगा वो तो विकृत ही रहेगा, बीमार ही रहेगा बार बार, इम्यूनिटी उसको सप्रेस रहेगा, और दूसरा ऑटोइम्यून डिजीजेस होंगे ही उसको। इसी तरह से अत्यार्तव जब होता है तो गायनेकोलॉजिस्ट डायरेक्ट बोलते हैं कि आप हिस्टेक्टोमी कर दो। आर्तव प्रवृत्ति जो होता है ये एक निसर्ग का प्रक्रिया है, जिसमें शरीर की शुद्धि होती है ना, रक्त की शुद्धि होती है। अगर आपने आर्तव को ही, मतलब आर्तव निकालने वाले गर्भाशय को ही निकाल दिया, हिस्टेक्टोमी कर दिया, तो बॉडी में हीट बढ़ता है, क्षारधर्मी अग्नि तत्वों की वृद्धि होने से, आपने हिस्टेक्टोमी के बाद देखा होगा कॉम्प्लिकेशन कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं शरीर में, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तारुण्य अवस्था में गर्भाशय निर्धारण करने से रक्त की शुद्धि का मार्ग बंद हो जाता है और बॉडी में हीट बढ़ता है, और हीट बढ़ने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तब ऐसे कंडीशन में जिनका हिस्टेक्टोमी किया है, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो रक्त शुद्धि करने के लिए महामंजिष्ठादि काढ़ा देना चाहिए, जिससे कंटिन्यू रक्त शुद्धि हो। उनको बोलना चाहिए कि आपका हिस्टेक्टोमी किया है, रक्त शुद्धि के लिए महामंजिष्ठादि काढ़ा आपको पूरे लाइफ लेना है। इसी तरह से गर्भवती महिलाएं जो है, माता बहने हैं, उनको टॉनिक देना जरूरी नहीं है, आयरन की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट, टॉनिक जबरदस्ती दिया जाता है, ठूस ठूस के दिया जाता है, उससे क्या होता है कि जो गर्भ है उसको तो अनावश्यक केमिकल मिल रहे हैं, तो बच्चे का सिर बड़ा हो गया, बच्चे का नाल फंस गया, बच्चे का ये हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, तो डॉक्टर लोग उस टाइम पे इमरजेंसी में सिजेरियन करते हैं, तो 100% मतलब एक या दो ही लोग नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, बाकी सारे गायनेकोलॉजिस्ट सिजेरियन कर रहे हैं। अब ये क्यों आ रहा है, इस पे विचार नहीं किया जाता है कि जो 9 महीने जो टॉनिक के नाम पे जहर खिलाया गया है, माता को जरूरत नहीं था, जहर क्यों है, क्योंकि वो केमिकली लैब में क्लिनिकल ट्रायल से पता लगा कि चूहे को दिया, बंदर को दिया, मनुष्य पे भी ट्रायल किया, तो उससे HP लेवल अच्छा होता है,
लेकिन दुष्परिणाम पे कभी भी वो लोग बात नहीं करते हैं कि जब आयरन की गोलियां दिया गया, कैल्शियम की गोलियां दिया गया, उससे बॉडी को क्या साइड इफेक्ट हुआ, कितने लोगों को साइड इफेक्ट हुआ, ये कभी नहीं बताते हैं। तो जो जहर दिया जाएगा उससे बच्चेगा तो तकलीफ पड़ेगा ही। इसी तरह से हमको आयुर्वेदिक चिकित्सा देनी चाहिए। अगर आयुर्वेद के अगर वो पूरा गर्भा मतलब गर्भकाल में जब आती है गर्भवती स्त्री, तो हम लोग प्रवाल पंचामृत, फिर ये ताड़ीमा वले, द्राक्षा वले, पुनर्नवा मंडोर, नवायस लो, ताप्य दिलो, ये सब देना चाहिए। तो इससे कभी साइड इफेक्ट नहीं होती है। और हमारे दवाइयों से अभी टॉनिक दिया जाएगा, आयरन की टेबलेट दिया जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन होता है, मल अवरोध होता है, मलबद्धता होती है, तो उससे भी बहुत ज्यादा शरीर में तकलीफ होती है। उससे कामला, जो बच्चों को जन्म लेते ही फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो माता का मलबद्धता है, ये हेतु पे भी विचार करना चाहिए। अग्नि संस्था अगर संतुलित हो जाती है तो बल्ल चिकित्सा करना चाहिए। और दूसरा क्या है, आजकल ये बढ़ गया है कि कॉपर टी लगाओ, तो गर्भाशय मांस धातु प्रधान है और उस नाजुक अवयव में कॉपर टी लगाते हैं, तो गर्भाशय में खवैगुण्य निर्माण होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कॉपर का भी साइड इफेक्ट होता है, ये सब का विचार करना चाहिए। अब क्षार धर्मी बॉडी में हीट बढ़ा है, उसको संतुलित करने के लिए आयुर्वेद में हम लोग परिपाटादि काढ़ा, रजनी योग, गोक्षुरादि को गोल, जिंघी, जिंघिस, जिंघिसादि, फिर प्रवाल मंडूर, गिरिच, निशा तेल, ये कल्प देते हैं। और अम्ल धर्मिता अगर बढ़ी है, तो द्रव गुण और पृथ्वी तत्व अबैलेंस इम्बैलेंस है, तो उसमें हरलू है, फल त्रिकादि गुगुल है, लघु चुच्छेखर, वरांग क्षार, कलिंगादि गुगुल, पल पटोलादि और धातुवर्धक, ये कल्प उपयुक्त है। इसी तरह से गर्भाशय को बल देने के लिए चंद्र प्रभा, कांति प्रभा, जम्बू कांति, चंद्र प्रभा और गिरिज, वंग प्रभा और त्रिवंग भस्म, ये सब दे तो गर्भाशय को बल प्राप्त होता है। और हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, अभी शायद कुछ लोग यहाँ पे केस टेकिंग करवाने के लिए आए हैं, यहाँ पे राजेश शर्मा जी हैं, सोनिया शर्मा जी हैं, ये लोग केस टेकिंग कराने के लिए आए हैं। तनिका मैडम जी, आप कृपया केस टेकिंग करेंगी जी क्या? सर, वो कल वाले हैं सब, अच्छा, तो तनिका मैडम वो कल आप अगर आधा छोड़ दिए थे पप्पा जी का है। पापा ठीक है, शशि तिवारी मैम आप केस टेकिंग कर सकती हैं? कभी आएगा बोलेंगे ना जो। देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, देखिए एक बार। हाँ हाँ सर, आपने हो रहा है ऑप्शन सर, दिया हो कर रहा दिया, पिछली बार भी आपने ऑप्शन दिया था तो मैंने अनम्यूट किया था। है। अच्छा कोई बात नहीं, आप देखिए अगर वीडियो ऑन हाँ कर जी, हाँ देंगे, जी तो सर, वीडियो ऑन करने को हाँ जी, हाँ बोलिए जी राजेश सर, शर्मा जी को, वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। वीडियो ऑडियो ऑन करूंगी। हाँ जी, क्या नाम है उनका? वो सर राजेश जामनगर शर्मा, से है, राजेश शर्मा सर, अपना ऑडियो भी ऑन करें प्लीज। ऑडियो भी ऑन करो, वीडियो भी ऑन करो, हेलो, ऑडियो वीडियो ऑन करिए, वीडियो सर नया गैस ऑन ट्रैकिंग करिए। अच्छा, नया क्या है जी, आप है, लोग को नया और छोड़ा जामनगर से है सर। था? हाँ ठीक है, शशि मैम आप करिए केस टेकिंग। जी सर, हाँ जी सर, नमस्ते। सर हाँ जी नमस्ते। अबे नमस्ते। हाँ सर बताइए, क्या तकलीफ है आपको? तुम्हारे सर मैंने कल बताया था, वो मुझे पहले फेफड़ों में पानी भर गया था, तो कल आप ही थे? कल तो तो मुझे पानी थोड़ा शक्ल चेंज लग रही थी, सॉरी। नहीं, आज नहीं तो वो ब्रदर भी कनेक्ट है, राजेश भी, मैं भी कनेक्ट हूँ, अच्छा, तभी मैं कहूं कि मैंने कहा शक्ल इतनी जल्दी। दोनों की मिलती जुलती सकल, तो ब्रदर भी वो कनेक्ट हुआ था अच्छा सर, तो आपको भी सेम तकलीफ है? सर। मेरे को जो तकलीफ मैंने कल भी बताई थी, एक्चुअल में पहले मेरे क्या है, वो आपने कहा था ना महीने भर तक एग्जर्शन रहा ज्यादा, तो हाँ जी, हाँ जी, फिर ये फादर है अपनी पता नहीं, वो कनेक्ट हुआ बढ़ने की कैसे शिकायत आ यार, गई। ये बाद ही जुड़े हैं। हाँ फेफड़ों जी, में हाँ जी सर, डॉक्टर को बोलते बताया कि रहे फेफड़ों में पानी भर गया, जी सर। उसको फिर 3 4 बार निकलवाया और फिर वो पेट स्कैन और वगैरह वो करवाई, तो उन्होंने कहा कुछ कैंसर के सिम्टम्स हैं ये, तो फिर मुझे सांस में प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो फिर मैंने जयपुर जाके वो 3 थेरेपी लगाई है और कुछ इसका ट्रीटमेंट करवाया, पीछे एक
वो निकलने के लिए एक वो ट्यूब लगा दी थी, वो ट्यूब तो अब निकाल दी है और अब थोड़ी सी तीन थेरेपी लग गई है, चौथी थेरेपी लगेगी। और उन्होंने शाम को खाने के लिए मेडिसिन दे रखी है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। नहीं तो ये तो ये एलोपैथी का आपका तो क्या? किया है ना। हाँ एलोपैथी। ठीक है चलिए, अभी आप मुझे ये बताओ सर, आपको भूख वगैरह कैसी लग रही है? अच्छी भूख लग रही है, मैं दो तीन रोटी खा लेता हूँ। नहीं, वो दो तीन रोटी खाने से नहीं है भूख। क्या दो तीन रोटी की लगी होती है कि दो तीन रोटी ऐसे खा लेते क्रेविंग हाँ, रहती है? दो अच्छा, दो रोटी की भूख लगी हुई होती है, तो जब भूख दो रोटी लगती की तभी भूख खाना लगी। खाते हैं कि टाइम हो गया तब खाते हैं? नहीं, मैं क्या, वो इंसुलिन लगा के खाना पड़ता अच्छा, डायबिटिक के पेशेंट हैं है, डायबिटिक और तो। बीपी भी। हाँ वो कल आपने बताया था तो मुझे हाँ याद है। तो मतलब आप इंसुलिन तभी लगाते हो जब आपको भूख लगी होती है कि इंसुलिन टाइम से लगाते हो? नहीं, ये इंसुलिन अंकल टाइम से लगाते हैं, ये सवेरे लगाते हैं बात नाश्ते के टाइम, फिर क्या नाम से दोपहर को बहुत लगाते हैं खाने के टाइम, फिर शाम को खाने बड़ी से पहले, और फिर उमंग। इसके 1 घंटे बाद, 4 बार लगता है। नहीं तो क्या चारों बार आपको भूख लगी होती? मेरा सवाल पूछने का मतलब ये है। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम से पप्पा को लगाते हैं। बोलो अभी को मन कर दो। अच्छा नहीं, क्योंकि लगाते होंगे फिर खाते भी होंगे नहीं, उसमें जैसे नाश्ता करना होता है, फिर उसके ना। बाद 1 बजे खाना खाना होता है, फिर शाम को 8 बजे खाना खाते हैं, इस तरह नहीं से। वो बात मैं आपकी समझ गई कि वो सारे टाइमिंग है। तो क्या इन हाँ टाइमिंग पर जब आप खाना खाते नहीं, हो आपको अच्छी भूख लगी होती है कि बस टाइम हो गया सो आप खाना खाते हैं? देखो किसी दिन तो लगी हुई होती है, किसी दिन नहीं भी लगी होती तो खाना खाना पड़ता है, ये है तो। हाँ तो यही चीज होती है ना, हमारी डाइजेस्टिव फायर अगर भूख नहीं लगी होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है सर, क्योंकि देखो ठीक चूल्हा नहीं जला होगा, कुछ भी डाल दोगे तो पकेगा नहीं, तो ये चीज है। तो पेट वेट अच्छे से साफ होता है? अच्छा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, दवा लेनी पड़ती है रात। हाँ, वो आपने कल बताया था ना कि 1 महीने से उसके पहले आप बोल रहे थे पेट हाँ साफ होता था। हाँ अच्छा, और गैस वगैरह एसिडिटी वगैरह तो भी नहीं होती? एसिडिटी नहीं होती, अच्छा, तो रात में गैस कितने बजे बनती है। सोते हैं मैं सर? रात को 10 बजे सोता हूँ, अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है मेरी। अच्छा, तो 4:30 बजे नींद टूट जाती तो उठ जाते हैं? हाँ उठ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो दोपहर में कितने घंटे सोते हैं सर? दोपहर में मैं 2-2.5 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे अच्छा नींद नहीं आती तो भी लेटता हूँ। अच्छा नहीं, दोपहर में ज्यादा मत सोइए, जब बहुत तेज नींद लगे तब थोड़ा सा सोइए, क्योंकि डायबिटीज वगैरह में बॉडी के अंदर ठीक है। इटसेल्फ वो ऐसी चीजें रहती है ना, क्लेद हमारे आयुर्वेद में बोलते हाँ हैं, या वो कीचड़ टाइप रहता है, तो जब आप सोते दिन हैं तो उससे आपकी में डाइजेस्टिव फायर भी लो हो जाती है, ये सारी चीजें। ठीक है सर। ठीक हाँ तो पेशाब है। उसाब में नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है? पेशाब में नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मान लो रात में कई बार उठना पड़ता हो या दिन में अर्जेंसी नहीं, रहती है। एक बार कभी वीडियो कभी, एक बार कभी, एक बार, दो मूट कर बार। दो। अच्छा, तो अभी जो नींद उद आती है आपको रात में, वो अच्छी नींद आती है कि नींद टूट टूट कर आती है? अच्छा, नींद टूट टूट के आती तो ये जो सर आपकी नींद टूट टूट कर आती है, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है? है। नहीं ये नहीं था पहले, पहले तो मैं सोता था, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, ऐसा कुछ नहीं था पहले। ये तो अभी, ये इसके बाद ही अप्रैल से ही, 10 अप्रैल के आसपास से ही शुरू हुआ है, जब तो दस से अप्रैल पता को लगा ऐसा कि तो नहीं कि आपको रिपोर्ट रिपोर्ट पता चल गई तो आप टेंशन लेने लगे? नहीं। टेंशन नहीं लेता, होता है ये थोड़ा बहुत, नहीं टेंशन तो मतलब होता क्या ही है। होता है ना, नहीं इंसान को कोई बीमारी होता है, जैसे अभी किसी इंसान का बीपी बढ़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बीपी नाप कर बता दो जी इतना बीपी है, तो उसके बाद लोगों को सच में चक्कर आने लगते हैं। उसके पहले वो मंदिर से चल चहल करके आए होते हैं, मेरे पास थोड़ा ऐसे पेशेंट हैं। थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आता ही है। हाँ तो इसीलिए मैंने पूछा ना, जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं फिर उस चीज को कैसे ठीक करें उसके पीछे लग जाते हैं, और कुछ लोग उस चीज को सोच सोच करके और वर्सन कर देते हैं सिचुएशन को। ठीक ऐसा है। नहीं है, ठीक है, तो लेते हैं आपका बहुत ट्रीटमेंट, बढ़िया। है ना, ट्रीटमेंट लेते हैं हाँ नहीं, आपका आपका भी। सर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चलेगा, एलोपैथी का जो भी आपका चल रहा होगा उसके साथ ही चलेगा, बट बस अपना ख्याल रखें। तो कुछ प्राणायाम योग वगैरह कभी करते हैं? अभी प्राणायाम बंद कर रखा है मैंने, वरना पहले करता था। तो आपने बताया कपालभाति आप ज्यादा कर लेते थे, नहीं करना चाहिए था आपको।
नहीं, कपालभाति वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करते हैं हर चीज का, इसीलिए तो बोलते हैं कि योग भी करना है ना, तो किसी योगा ट्रेनर के सामने करना चाहिए। और अति सर्वत्र वर्जते, शुरुआत करो तो इतना थोड़ा थोड़ा करने करने बाद नहीं, कपालभाति को इतना और हाईलाइट कर मैम दिया कि मैम यस मैम। 300 300 टाइम कपालभाति, बताइए क्या मैम मेरे होगा। घर में लोग 1000 बार करे थे, पता है आपको, मैं आपको रियल कंडीशन बता रही हूँ। उसके बाद उनके हाँ नाक से ब्लड आने लगा, थ्री तो मुंह से हंड्रेड ब्लड तो आने नहीं लगा, कर ले, तो थ्री ट्यूबरक्लोसिस का हंड्रेड तो पेशेंट नहीं था, कर टेस्ट लेता कराया। हाँ तो सारे जी। फिर नेगेटिव आए, तब जाकर वजह पूछी तो पता चला कि रोज 25 30 पत्ते करी पत्ते खाए जाते थे, और साथ करी में पत्ते 1000 बार पूरा कपालभाति की जाती थी। पूरा अपान उदान दोनों विकृत हो जाता है ना इसमें। नीम के पत्ते यस मैम। जी सर कुछ भी खाना होता है ना, देखिए हमेशा कभी भी सेल्फ मेडिकेशन सबसे खतरनाक चीज होती है, आप ये जान लो। ये आपकी रोटी नहीं है, रोटी तो आपने पुश्तों से खाई होती है ना, मतलब एक घर का खान पान एक जैसा होता है, तो वो चीजें आपकी बॉडी को साथ में होती है। लेकिन ये जो कुछ भी आप अपने मन से व्हाट्सएप के नॉलेज या गूगल कोई के कोई नॉलेज से, कहता है शीशम के पत्ते खाओ चबा के। हाँ तो मैंने वही तो कहा, आप अपने चिकित्सक के पास जाइए, जो आपका चिकित्सक कंसल्ट आपको बताता है वो करना होता है, ठीक है ठीक सर। हाँ अपना नहीं लगाना होता, और नहीं कोई कुछ बता दे, क्योंकि आप जान लीजिए किसी इंसान को किसी चीज से फायदा आता है, किसी इंसान को किसी चीज से फायदा आता है ना। ये आयुर्वेद का एकदम बिल्कुल टिपिकल कह सकते हो कि स्पेसिफिक चीज है, एलोपैथी तो ये तो आप नहीं हर किसी को पीसीएम देंगे हम फिजिकली देख के बताते होंगे ना भाई, उसको देख के भी सर। इसमें पेशेंट हाँ भी ये है। हाँ जी, हाँ जी सर, वो आपको देख करके आपको ऑरा का पता चलता है, आपकी थोड़ी बहुत सोच वगैरह का पता चलता है, और फिर जैसे आप सामने होते हो तो नब्ज वगैरह देखी जाती है, वो तो बात से तो इंसान का पता चलता ही है, आपके बात करने का जो अंदाज होता है उससे पता चलता है कि आपका क्या कैसे है, सारी चीजें वो सब तो होता ही है। पर मैं हर चीज पर वही कहूंगी कि स्वस्थ होने का सबसे बेस्ट तरीका है जितना खुश रह सकते हैं मस्त रह सकते हैं खुश रहिए, रहो जो काम अच्छे लगते हैं वो डेली एक काम जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप मतलब रहेंगे माइंड से हेल्दी रहेंगे, उतना फिजिकली भी हेल्दी हो जाएंगे। फिजिकल। हाँ इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा सर, आपने तो कल बताया था कोई नशा पानी वगैरह तो नहीं करते हो। नहीं, खाने कुछ पीने में नहीं, ऐसा, खाने पीने में ऐसा पानी कौन सी पीता चीजें हूँ जो मैं आपको ज्यादा कुछ, पसंद रही है? पानी पीने में खाने पीने में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसको खूब आप खाते थे? नहीं, मैंने पहले नमकीन लिया करता था लेकिन अब नमकीन कम कर दिया मैंने, अच्छा, और ये सब मीठा दही मीठा उड़द की वगैरह दाल नहीं वगैरह? खाता था मैं। उड़द की दाल भी अच्छा कभी 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 बनती थी सप्ताह में एक आध बार। अच्छा, नमकीन डेली खाते थे आप? नमकीन खाता था, नमकीन तो नमकीन चाय के साथ लेते थे, कि ऐसे ही कुछ लोग की क्रेविंग होती रहती तो नमकीन खाते रहते हैं? कभी चाय के साथ ले लेते थे कभी। अभी मैं चाय के साथ वो बिस्किट लेता हूँ, वो शुगर फ्री वाले, वो लूँ या नहीं लूँ चाय के साथ, सुबह मॉर्निंग में लेता हूँ और 5 बजे लेता हूँ। अच्छा, तो 5 बजे चाय के साथ बिस्किट लेते तो आपको को उस वक्त सर भूख लगी होती है? हाँ थोड़ी सी भूख लगी होती है। नहीं, आगे सब नियम बना लीजिए कि जब आपको अच्छी भूख लगा करेगी ना, तब आप खाना खाया करिएगा, ठीक है। इस बात का ठीक ख्याल रखेंगे तो आपका पाचन अपने आप ठीक होना शुरू होगा, और जितना आपका पाचन ठीक होना शुरू होगा उतने जल्दी आप ठीक होने लगेंगे, ठीक है। हाँ, और जो आपका डॉक्टर आपको बोले, सर आप राजस्थान के हो ना? हाँ राजस्थान से हूँ मैं। हाँ नहीं, उधर नमकीन वमकीन ज्यादा खाते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा है। हाँ थोड़ा सा छोटा से ढेर बिलोंग सारे करता हूँ तरह, मैं। हाँ खाने में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना नमकीन वमकीन के पास। और कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको लगता हो कि नहीं आप ये चीज ज्यादा खाते थे या करते थे? अच्छा, नमकीन ही ज्यादा खाता था मैं, और तो ऐसा कुछ नहीं था। सर जैसे गुस्सा उस्सा आता था तो क्या आप उसको पी जाते थे कि चिल्ला देते थे? नहीं गुस्सा आता था तो कभी चिल्लाते भी थे, कभी बंद भी थे। अच्छा थोड़ा सा आदत है तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, इसको नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं चिल्लाते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं पीते इतना हैं। नहीं चिल्लाते उलाते नहीं, बस चिल्लाते जैसे जोर से चिल्लाना हमने आदत नहीं है, बस ये कहते हैं ये नहीं किया वो तो नहीं किया, बस चिल्लाते नहीं है, चिल्लाते नहीं। तो आप गवर्नमेंट जॉब में थे क्या? हाँ मैं यूनिवर्सिटी जॉब में था, रिटायर हो गया तो मैं, हाँ नहीं, मतलब वहां स्ट्रेस वगैरह तो नहीं था बहुत ज्यादा? नहीं, वहाँ नहीं था तो ऐसा जैसे आप कुछ सर नहीं। क्लास उस लेते थे ना, टीचिंग करते थे ना, मैंने रिटायरमेंट के बाद क्लास लेता,
अच्छा नहीं, जैसे पहले भी ऐसा होता था क्या कि मतलब चला क्लास में है, ऑफिस के किसी काम से यूरिन वगैरह का प्रेशर आ रहा है तो होल्ड करते थे? नहीं, उस समय क्लास नहीं लेता था मैं, जब सर्विस में था, जब मैं वर्कर, उसमें ऐसा कोई प्रेशर वाला काम नहीं था। तो अच्छा रिटायरमेंट के बाद मैंने ज्वाइन किया था एक जगह, वो उसकी पोस्ट पे, डीन की, प्रिंसिपल की पोस्ट। मैं प्रोफेसर से अच्छा रिटायर हुआ हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओके, तो से। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि आपकी जो जॉब वगैरह रही वो फुल कंफर्टेबल जॉब रही है ना? कंफर्टेबल जो थी सब। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं, आप हो जाओगे। और किसी को सर से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। राजेश शर्मा जी, नहीं, मैं यही पूछना चाहता था कि अब मैं हाँ क्या एक्टिविटी करूं कि थोड़ा, मतलब किस तरह ज्यादा डाइवर्ट हूं। एक तो मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सवेरे? सर, मेडिटेशन तो कर सकते हो, मेडिटेशन का कोई वो नहीं होता, सिंपल सी बात है, आप सीधा बैठ जाइए और सीधा बैठकर चाहे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा होती है तीनों, मतलब जैसे देखो आप किसी भी मुद्रा में 5 मिनट के लिए बैठना शुरू करिए, धीरे धीरे करके आप लंबा बैठ सकते हैं, ध्यान आपको मालूम ही है अनुलोम आज्ञा विलोम कर चक्र। सकता हूँ? हाँ अनुलोम विलोम, लेकिन शुरू करिएगा 5 से, ठीक है? अगर बीपी आपका ठीक ठीक रहता है ठीक तो अनुलोम विलोम करेंगे, अगर लो बीपी रहता है तो सूर्यवेदी करना होता है, हाई है तो चंद्रवेदी। हालांकि आप बीपी की मेडिकेशंस पर आए हैं ना, तो आप अनुलोम विलोम थोड़ा ही करिएगा, 5 से जैसे ठीक शुरू किया 1 हफ्ते तक 5 किया, फिर अगले हफ्ते 5 बढ़ाया, इस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। और कभी भी बहुत ज्यादा नहीं करिएगा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें आपको बहुत थकान एक लगे। मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कहा था वो, जिसमें वो तीन बॉल होती है और मुंह से शक करना होता है, वो करूंगी नहीं हाँ करूं? हाँ वो कर सकते हो, वो एलोपैथी वाले कराते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप बांसुरी बजा सकते हैं, आपको पता चला गुब्बारा फुलाना होता है, ये सब सारी चीजें जो होती हैं, एक तो एक मुंह में मुंह कभी कभी छाले हो जाते हैं। में छाले इसलिए हो जाते हैं कि जो कुछ भी खा पी रहे होते हो ना, सही से पेट नहीं साफ होता, और इधर आपके हो रहा था ना कि कब्ज रह रही थी, आप दवा ले रहे थे, तो कई बार ये सब जो एलोपैथी की भी दवाएं चलती हैं, या कई बार हम अपने मन से जो कब्ज की दवाएं लेते हैं ना, वो बड़ी गर्म रहती हैं, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि कुछ भी किसी से पूछे बगैर, मतलब चिकित्सक से पूछे बगैर नहीं लेना। क्या होता है, हम अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछ करके कुछ भी चीजें लेते हैं, ठीक है? तो जितना ठीक जितना बेटर आपका पेट साफ होता रहेगा, उतना आपका छाला वाला सब ठीक रहेगा, ठीक है? तो जैसे भ्रामरी करना है, आपने 5 5 बार से शुरू करो, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ओम का उच्चारण करना है, धीरे धीरे करके बढ़ाओ और आराम आराम से करो, बिल्कुल बिल्कुल ओके। कूल एक्चुअली कंफर्टेबल, मैं क्या जैसे है, मुझे कोई नहीं खास नहीं काम पहले तो, नहीं हाँ करने है। पहले तो ओम का मैं लंबा कर सकता था, अब थोड़ा सा वो कम हो गया तो। जितना भी आप आराम से, सहजता और सरलता योग का पहला नियम होता है, मैं कहती हूँ ठीक कभी भी नहीं, जैसे अगर कुंभक नहीं होता तो नहीं करने का, वैसे भी हाई बीपी के ठीक पेशेंट को या जो लोग बीपी की मेडिकेशंस पर रहते हैं उनको हम कुंभक नहीं कराने बोलते हैं, मीन्स यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल ओनली, डोंट होल्ड, ओके? तो कुंभक कुंभक नहीं करिए, जितना आराम से करेंगे, एंटी रूमेटिक ग्रुप है जो पार्ट 1 या बाबा रामदेव के लैंग्वेज में बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, वो सब करते रहते हैं तो बॉडी की सारी ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब सारी चीजें जब आप करते हो तो आपको लगता है कि आपने अपने लिए कुछ किया, अदरवाइज तो सारे काम हम हाँ दिन दुनिया के लिए करते हैं, तो इस वजह से इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, बट कभी भी बहुत ज्यादा लिथर्जिक नहीं फील होना है, पता चला करने बैठे एकदम बेजान पड़े हुए हैं, ठीक ओवर है? एग्जर्शन नहीं आराम होना आराम, चाहिए। हाँ ओवर एग्जर्शन नहीं लेना है, ना ही फिजिकल लेवल पर, ना ही मेंटल लेवल पर। क्या करना अगर नहीं हम है? जितना मेंटल लेवल पर, मतलब चाहे बॉडी का हो चाहे हाँ माइंड के लेवल, दोनों पर ही बहुत टेंशन नहीं कूल एंड है, काम रहना है, तो भी हम जल्दी टेंशन हील नहीं होंगे। और है, जब ठीक कुछ भी कर रहे हैं तो परमात्मा से प्रेयर करना है या दिमाग में थॉट रखना है बिल्कुल कि मैं सकते बहुत जल्दी हील हो जाऊंगा, ठीक है सर? हैं। ठीक, थैंक मनीषा मैम, आप कुछ पूछोगे हमसे, सर से? ठीक नहीं पूछ लिया। है, तो सर को लीव नारंग करा दीजिए। विरुद्धार क्या है इनका, पूछ लो ना। नहीं मैम ठीक है, आपने सब पूछ लिया आपने। सर नमकीन खाने की सर को हिस्ट्री ज्यादा थी। हाँ नमकीन खाने की ज्यादा। दिन दुनिया की चाय बहुत ये परवाह कर चलता था क्या, रहे क्योंकि इधर खाकरा फाफड़ा ये चलता है दूध चाय के साथ। नहीं, अब नहीं खाता, खाकरा नहीं खाता था, सिर्फ नमकीन लेता था, वो भी बीका जी की, ये क्या कोटा की कचौरी खाते थे हम लोग। पहले कचौरी खाया अच्छा करते थे, जयपुर कोटा की से कचौरी हैं? खाते, हाँ कोटा में रहूं ना मैं, कोटा से, कोटा की हाँ कचौरी वो फेमस उधर है में ना। खाते हैं कचौड़ी। हाँ कचौरी खा दिया बहुत करते भारी होती है सर, थे। हाँ बहुत भारी होती है, मैं अभी गई थी आपको जयपुर तो बंद कर मैंने दिया खाया अभी था। तक?
फिर चलिए उसमें कोई दही बात भी नहीं, रोटी तो डालते, हाँ फिर खट्टा भी डालते, सब खाते भाग के उसमें, नहीं उसमें सेव चटनी भी वगैरह। डालते हैं लोग, खट्टा भी डालते हैं। आप तो नहीं खाता, मैं बंद कर दी 2 महीने से, कचौरी भाई मजबूरी है हमारी, समोसा कचौरी सब बंद कर दिया, ज्यादा भी नहीं हुई चीज। नहीं खाया अब तो तो मैं रोस्टेड वो खाता हूँ, घूंगड़े खाता हूँ बस, जाऊँ जाऊँ अठवाड़िया तो सोड़ कचौरी वो तो खा खाऊंगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। टेस्टी और तीखो भाव। रोस्टेड भूंगड़ा जो बोलते हैं ना, चने वाला, वो और नहीं खाना चाहिए ना, वो भी आग्नि मानदेह करता है ना, वो नहीं करे, नहीं चना खाया बिना उसको। क्यों खा रहे हैं आप, गलत चीज क्यों खा रहे हैं, और अपने खुद से ही डॉक्टर बन रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं नहीं वो खाना रोस्टेड चाहिए, वो जो, भिगो के फुटाना वगैरह जो मिलता है वो नहीं खाना चाहिए। भूख ठीक है सर, ठीक है लगती है तो खाइए ना, आप गलत खा रहे हैं ना, वो भी ठीक आपको भूख नहीं लग रही है, और आप हजम होने वाला चीज ही हो नहीं रहे, वही चीज खा रहे हैं। ठीक है सर, दो टाइम अच्छी तरह खाना खाना बस, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक और वो भी ठीक शाम को, ज्यादा नहीं आधा ही पे वो हाँ चालू करो। और आप सुबह 1 लीटर शाम पानी पीते, कल सर बोल रहे थे वो बहुत को। पानी पी रहे, वो कम करना पड़ेगा। नहीं पहले पीता था सर, अब तो कम ही पीता हूँ, पहले पीता था 1 लीटर पानी, उसके बाद फ्रेश होता था। ठीक है, इनको हम लीव करा देते हैं। ठीक ठीक है है, थैंक यू सर, हम फिर बाद में बात करेंगे आपसे। क्या सर, एक जामनगर से जुड़े हुए हैं। नाम हाँ है? क्या जामनगर, जामनगर से मेरा छोटा ब्रदर है वो, राजेश शर्मा, नाम है? राजेश राजीव शर्मा। सर जी। चलिए, इनका केस टेकिंग तनिका मैडम, शशि मैम कौन करना हाँ चाहेगा? ये भी बात करना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, तनिका मैडम जी आप कृपया केस टेकिंग करिए। जी जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। राजीव हाँ जी सर, सर अपना नाम बता दीजिए, एज बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। शर्मा, 43 ईयर ठीक है सर, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है। ठीक मैडम, 53, 43 नहीं, 53। है, ठीक है सर। हाँ जी बताइए सर क्या प्रॉब्लम है। मेरे को एसिडिटी हो जाती है मैडम 5-6 दिन में, उसके एसिडिटी बाद से क्या मतलब है सर? एसिडिटी से पेट में जलन होता है बहुत जोर से, और अच्छा, खट्टी जलन खट्टी ये पूरे चेस्ट में होता गले है और गले में भी आता है पानी खट्टा खट्टा। में जब बहुत बढ़ जाता है तब आता है, अगर मैं 6 दिन 7 दिन तक अगर वो कैप्सूल नहीं लेता हूँ तो वो गले तक भी आ जाता है, अच्छा ठीक है, उसके तो ये लिए हर 5वें 6वें दिन में मेरे को रिपीट करनी पड़ती है, हर बार कैप्सूल लेना पड़ता है, उसके बाद ही एसिडिटी जाती है। कॉन्स्टिपेशन ठीक है। आगे कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ? बराबर है और रेगुलर है दोनों टाइम, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, भूख भी दोनों टाइम लगती है बराबर। ठीक है, और कोई दिक्कत सर? मेन ये जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो कप की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, कप बहुत बनता है, और खांसी के साथ वो सवेरे शाम दोनों टाइम निकलता है। हाँ कफ ना, जब एसिडिटी ज्यादा बन जाती है एसिडिटी बढ़ती है तो सांस तो सांस भी चढ़ने लगता है। ठीक भी चढ़ने लगता है, खांसी है, और सर ये कब से तो हो रहा है? एक्चुअली ये अभी साल भर से एसिडिटी का प्रॉब्लम तो पहले से ही था, और बीच में मेरे को 1 साल पहले सवेरे शाम बहुत ज्यादा कफ हो रहा था और बहुत खांसी आ रही थी, तब मैं आयुर्वेदिक इलाज के लिए गया था, या धन्वंतरी है जामनगर में, वहाँ अच्छा उनसे मैंने इलाज करवाया था, तो हाँ वो हाँ जो हाँ ठंडी मेरे को ठंडी चीज का जो देते थे तो उससे मेरे को जुकाम हो जाता था और कफ बढ़ जाता था, और गर्म चीज देते थे, मतलब जो दवा देते थे उससे मेरे को एसिडिटी बढ़ जाती थी। ये दोनों प्रॉब्लम देख के मेरे को लगा कि ये एसिडिटी का ही प्रॉब्लम है, मैंने कैप्सूल खाना शुरू कर दिया साल भर से, तो उससे मेरा ये सब कंट्रोल हो जाता है, पर ये एसिडिटी जा नहीं रही है, बिना कैप्सूल के नहीं जा रही है, और इसमें डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि आपको अस्थमा का भी इफेक्ट हो गया है, तो वो कभी कभी वो बीच में मेरे को रोटामेट करके वो आता है उसका कैप्सूल, उसको सक करना पड़ता है बीच बीच में। तो सांस सर, जब सांस चढ़ता है तो मतलब चेस्ट में साई साई की आवाज भी आती है कि जब सिर्फ कफ हाँ बनता है गले में? सोते सोते वक्त साई साई की आवाज आती है मेरे को रात में। ठीक है,
पर ये स्टार तो हमारा एसिडिटी के साथ ही हुआ है ना। एक्चुअली एसिडिटी मेरे को साल भर बाद में ये रिकॉग्नाइज हुआ कि ये एसिडिटी के हिसाब से हो रहा है, पर ये एसिडिटी तो पहले भी रहती थी, पर ये जब प्रॉब्लम खांसी और कफ की हुई तब से ये मालूम पड़ा मेरे को कि ये इसके हिसाब से एसिडिटी के हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर, वो धीरे धीरे चीजें कलेक्ट होती है ना, एकदम से कुछ नहीं होता, ठीक है। वो चीजें क्या होता है, बहुत देर की इकट्ठी हुई होती है, तो फिर वो एकदम से आपको रिजल्ट बताती है, ठीक है वो। हाँ तो सर वो एक्चुअली यही है, कभी कॉन्स्टिपेशन भी रहता होगा पहले पहले कभी, या आपके कॉन्स्टिपेशन स्टूल वगैरह कैसे आता है, मोशन कैसे आता है सुबह, कोई चिपचिपा या ऐसे क्या बोलते हैं, लूज तो नहीं आता है। नहीं, मोशन तो एकदम बढ़िया आता है, नॉर्मली आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, ना कभी ऐसा लूज मोशन हुआ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दोनों टाइम परफेक्टली आता है। भूख भी बहुत अच्छी लगती है, और ये है कि हर छठे दिन के बाद मेरे को जो ये जलन, सीने में जलन, गले तक जलन इतनी बढ़ जाती है कि मेरे को कैप्सूल लेना पड़ता है। उस केस में जब जलन बढ़ती है उस केस में खांसी भी आती है और कफ भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। जैसे हाँ यह जल्दी, कैप्सूल खाने के बाद ये चीजें दूसरे दिन नॉर्मल होने लग जाती है, फिर वापस 5वें 6वें दिन वापस शुरू हो जाती है। और सर ये किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है कि ये पूरा थ्रू आउट द ईयर ही जब भी एसिडिटी बढ़ रही हो ये थ्रू चीजों को। आउट द ईयर ही रहता है मैं। ओके ठीक है सर। सर आप ना मुझे एक बार सुबह से लेके ना शाम तक आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब उठते हैं, कैसे, सारा एक बार हिस्ट्री बता दीजिए मुझे। मैं 7 बजे उठता हूँ, तो ठीक है, कभी कभी वॉकिंग पे जाता हूँ और कभी नहीं जाता हूँ, ऐसा है, रेगुलर नहीं है। फिर तो 7 बजे उठ के मोशन आ जाता है सर उसी टाइम। पानी पीते से जस्ट 2-5 मिनट में हो जाता है, कितना पानी पीते हैं सर? 2 गिलास कभी 1 गिलास। अच्छा ठीक है जी, आगे। उसमें उठते से पहले फिर एक थायराइड की है, वो थायराइड है मेरे को, उसकी गोली खाता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मोशन होने के बाद फिर मैं नहाने चले जाता हूँ, ना के उसके बाद आता हूँ तो मैं नाश्ते में ममरा जो बोलते हैं ना, ममरा और दूध, 1 गिलास दूध और ममरा, सर ममरा ये ममरा क्या चावल नमकीन होता है क्या? चावल परमल पर चावल वो होता है, उसको हल्का सा वो गरम करके और उसमें नमक होता है, हाँ मुरमुरा, मुरमुरा मुरमुरा हाँ मुरमुरा के साथ दूध। हाँ, मुमरा के साथ दूध अच्छा कभी ठीक है सर। वो लेता हूँ। इसके तो इस बाद टाइम साढ़े भूख बारह लगी होती है कि जहाँ ऐसे ही लेते हैं कि सुबह अभी नहीं खाली पेट? भूख भूख लगी रहती है 8:30 बजे के आसपास, तो ठीक उसके है, वो लेता हूँ। फिर 12 बजे 12:30 बजे के बीच में लंच ले लेता हूँ, उसमें 2 रोटी और थोड़ा सा चावल और दाल वो लेता हूँ, ठीक और शाम को 5 बजे के आसपास हल्का फुल्का वही मुमरा ले लेता हूँ और चाय के साथ, ठीक है। और शाम को 8:30-9 बजे के आसपास खाना खाते हैं, जिसमें कभी 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 रोटी होती है, कभी कभी इडली वगैरह ऐसा लाइट लेते हैं, कभी खिचड़ी होती है ऐसा। सर इडली हैवी होती है, लाइट नहीं होती। इडली हम तो लाइट समझते हैं, पर खाते शाम को बहुत बिल्कुल लाइट ही खाता हूँ। ठीक है, इडली के हाँ साथ दाल सब्जी। दाल दाल इडली का वो सांभर आता है, सांभर और वो खाता हूँ। और रात को दूध वगैरह पी के सोते हैं? नहीं रात को दूध नहीं पीता, ठीक है, और रात को सोना कितने बजे हो जाता है? 11:30 से 12 के बीच सो जाता हूँ। 11:30-12 बजे, इतनी लेट क्यों सर? अब वो खाना पकता है वहां तक थोड़ा बहुत 9-10-9 बजे तक खाना रात का डिनर पक। कितने बजे हो जाता है सर? हाँ जी रात का डिनर कितने बजे हो जाता है? 9 बजे तक होता है मैम, ठीक है, और फिर 11:30-12:30 है ना, 11:30-11:30-12। 11:30-12 तक सो जाते हैं। हाँ ठीक है सर। और सर कभी पहले ऐसे, मतलब ये अभी जो 1 साल से हो रहा है, इससे पहले थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा ऐसा हुआ हो जब आप थोड़े यंग एज में हो, 20-25 साल में, तो एसिडिटी वगैरह रहती हो, जहाँ आपने बहुत ज्यादा यंग फूड खाया हो, जैसा बाहर की चीजें ज्यादा खाते हो, ऐसा नहीं, हुआ था क्या कुछ? बाहर की तो नहीं खाता था, एसिडिटी तो पहले भी रहती थी यंग एज में, मैं चाय पीता था ज्यादा, 3-4 चाय हो जाती थी दिन में, तो वो प्रॉब्लम होती थी, एसिडिटी तो पहले भी रहती थी, पर पहले कफ और ये खांसी का प्रॉब्लम नहीं होता था, ये 2-3 साल से ये कफ और खांसी का प्रॉब्लम शुरू हुआ।
ठीक है, मतलब एसिडिटी की हिस्ट्री आपकी पहले भी है ना? एसिडिटी तो पहले भी रहती थी। ठीक है। और सर ये पेट जो है, जलन जो है, उसके साथ पेट फूलता भी है? जब कुछ खाना खाते हो तो उसके बाद पेट फूलता है? पेट तो नॉर्मली है, मतलब थोड़ा सा फुला हुआ ही है, वो तो थोड़ी सी नहीं, चर्बी जब है। खाना खाते हाँ हैं तब ज्यादा डिस्टेंशन हो जाती है, लगता है ऐसे कि जब खाना खाया तो डिस्टेंशन हो गई? थोड़ा सा ज्यादा फुला हुआ लगता है खाना खाने के बाद। हाँ। तो दिन में भी सोते हैं सर? नहीं मैं नहीं सोता कभी भी दिन में। ठीक है सर। सर क्या काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका? मेरा मेटलर्जी में है, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वहां पर साइंटिफिक वो वर्क है मेरा, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके। तो ये कितने से कितने तक की जॉब है? मेरा जॉब तो सवेरे 8 से शाम को 8 तक की है। मैं सिटिंग तो ये स्टैंडिंग रहती है कि सिटिंग वगैरह? रहता है पर रेगुलर नहीं रहता, मैं दो दो घंटे एक एक घंटे के बीच में गैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा वॉकिंग कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है सर। कभी जैसे अभी ये आपकी जॉब के दौरान कभी यूरिन वगैरह, कभी स्टूल वगैरह होल्ड करने की आदत हो कि यूरिन आया तो जाना नहीं है? ठीक यूरिन 10-15 मिनट तक तो रोक लेते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं रोकता हूँ। अच्छा। कोई मीटिंग है और 5-10 मिनट में खत्म होने वाली है तो फिर रोक लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं रोकता हूँ। ठीक है। तो जैसे कभी ऐसा होता है कि 8 से 8 जॉब है तो बाहर मतलब बैठे बैठे एंजाइटी, जो ऐसे काम कर रहे हैं तो बैठ के हाथ में पकड़ के मुरमुरा खा लिया, या हाथ में सेवैया वो खा ली, ऐसा होता है क्या? स्नैकिंग की टेंडेंसी है आपके अंदर? नहीं है, 5 बजे ही थोड़ा सा लेता हूँ, वो ज्यादा नहीं, वो एक ज्यादा चाय नहीं? पीता नहीं। अभी चाय भी मैंने बंद कर दिया है, एक दो ही चाय पीता हूँ। ठीक है। और सर स्ट्रेस लेवल्स वगैरह कितने हैं? स्ट्रेस तो नॉर्मल अभी तो रूटीन में हो गया, पर वो वर्क तो सब स्ट्रेस वाला ही रहता है। नहीं, वो तो वर्क का स्ट्रेस तो सर सबको ही होता है। वैसे हमारी एक नेचर होती है कि हम जल्दी चीजों को स्ट्रेस लेके लेके चलते हैं हम लोग। हाँ पर प्रॉब्लम्स रिसर्च डेवलपमेंट में प्रॉब्लम तो चालू रहती है, तो वो स्ट्रेस आता है कि नहीं बॉडी में वो तो मालूम नहीं पड़ता, पर हर 1 मिनट हर 1 घंटे में नई प्रॉब्लम्स तो रहती है। कुछ भी हाँ ठीक है। और सर बोलना भी ज्यादा पड़ता है? कभी कभी, और जनरली नहीं बोलना पड़ता इतना तो। ठीक है। और सर ये जब आप यंग एज में थे तो ऐसा तो नहीं होता था कि नई भूख लगी है फिर भी खाना खा रहे हैं, या ऐसा ऐसा कुछ? बीच में क्या बोल रहे हैं मैडम, वापस बोलिए तो। सर यंग एज की बात कर रही हूँ तो तब ऐसा होता था कि भूख लगी है तभी नहीं खाना खाया, जब नहीं भी भूख लगी है मतलब कभी भी बिना टाइम के खाना खा रहे हैं हम हाँ लोग? वहाँ पर टाइमिंग, उस टाइम पे टाइमिंग पक्का नहीं था क्योंकि ड्यूटी आवर्स इतने हो जाते थे और कभी कभी नाइट भी करते थे, कभी ऐसा करते थे, तो वो थोड़ा सा खाने में इरेगुलरिटी तो थी। और इसके बीच में मेरे को 2-3 तकलीफ और हुई थी मैडम। मेरे को साइनस का प्रॉब्लम हुआ था 2008 में, तब मेरे नाक में पॉलिप हो गए थे, उसको ठीक फिर है। ऑपरेशन करके निकाला था, फिर वो 4 साल बाद वापस रिकवर हुआ और वो 2012 में निकाला। फिर अभी ओके। कोरोना के टाइम पे वापस दोनों नाक बंद हो गए थे, पॉलिप हो गए थे, तो 2020 में अभी वापस निकाला। पर अभी 2020 के बाद से मैंने रेगुलर आलोम विलोम प्राणायाम सिर्फ 15-20 मिनट ही करता हूँ, तो उससे अभी मेरे को जुकाम भी नहीं हो रहा है, वो नाक बंद होने की प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। नहीं तो पहले जैसे थोड़ा सा बाहर निकल गए, ठंडी हवा लग गई, एकदम एसी में चले गए तो फटाफट जुकाम पकड़ लेता था, और वो जुकाम महीने भर तक चलता था। ओके। तो ये हाँ आपकी हिस्ट्री है तो फिर वो सोते सोते बलगम भी आती होगी गले में? अभी तो आती है, कभी खांसी आती है तो अभी आती है, और वो आवाज भी आती है सोते वक्त। अच्छा, आवाज भी आती है ना? हाँ राइट साइड हाँ, ये मतलब में, साइनस की हिस्ट्री के कारण भी सर, जब लॉन्ग टर्म के लिए पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है ना तब भी ये चीजें होती हैं। ठीक है। जी बट मोस्ट लाइकली हाँ, ये गैस्ट्राइटिस इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है हमारे, तो वो आप सही बोल रहे हो क्योंकि गैस्ट्राइटिस के साथ बहुत लोगों का रिलेटेड होता है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, हम लोग पेट के ऊपर, आपके मेन मेन आपका जो है वो आपके जो आपका अभी पित्त वाला पार्ट है, हाइपर एसिडिटी वाला पार्ट, इसके ऊपर काम करेंगे तो वो भी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है मैम।
जी सर, सर मेरी तरफ से तो हो गया है, अभी किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम इनको लीव करा देते हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। इनको एसिडिटी है और कफ का तकलीफ है, तो मैं हरिहर सर से ये बोलूंगा कि हरिहर सर अगर पॉसिबल है तो दीपन पाचन करके इनका वमन करा दीजिए सर। डॉक्टर हरिहर सर आप सुन पा रहे हैं? जी सर, आप दीपन पाचन अच्छा करके, हाँ इनका वमन करा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा सर। जी सर, आप इनको अपने पास बुलाइए और वमन करा दीजिए, या फिर ये जहां पे हैं वहां पे वमन कर दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक जी सर, वो है तो सर, जामनगर तो में ही है, इन्होंने लेकिन जामनगर कराए जामनगर कराया जामनगर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी जब है। क्या उसको सब बोलेगा तब वो हाँ यहाँ आ सकते हैं। है ना सर, वहाँ यूनिवर्सिटी है लेकिन वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो कराया जाता है उसमें पेशेंट अच्छा परमानेंटली थोड़ी ना होते हैं सर। बराबर, जामनगर में सब लोग ठीक होते हैं ऐसा थोड़ी ना, गवर्नमेंट फंड देती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत है, लेकिन वहां पे गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा मैं बोलूंगा कि आप हरिहर सर के पास हमारे हमारे पास आइए और हम ठीक करके देंगे आपको। तो कहाँ आना पड़ेगा सर? मेरे पास आना है तो पुणे महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। अगर हरिहर पुणे, सर के पास जाएंगे तो आपको वहां पे सोमनाथ में जाना पड़ेगा। तो पुणे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हम लोग कल मिलते हैं। संडे का सेशन होगा कि नहीं वो देखते हैं, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम।